हेलो गाइस, आज हम क्लास 7th के लेसन नंबर 4 को डिस्कस करेंगे, द कोप एंड द एंथम। सो लेट्स स्टार्ट। सोपी मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट इन मेडिसन स्क्वेयर। देर आर सर्टेन साइन टू शो दैट विंटर इज कमिंग। बर्ड्स बिगिन टू फ्लाई साउथ, पीपल वांट न्यू वॉर्म क्लो कोट्स, एंड सोपी मूव्स रेस्टलेसली इन हिज सीट इन द पार्क। व्हेन यू सी दीज साइंस, you know that winter is near. A dead leaf fell at Sophie's feet. That was a special sign for him that winter was coming. It was time for all who lived in Madison Square to prepare. ये एक सोफ़ी है, उसके बारे में है। जो सोफ़ी है वो बेचैन होके मेडिसन स्क्वेयर पे, उसकी जगह है, वो बेचैन अपनी जगह पे इधर उधर घूम रहा है, क्योंकि अब उसे कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दिए हैं जिससे ये पता लग रहा है कि अब सर्दी आने वाली है। पक्षी हैं वो साउथ की तरफ उड़ने लगे हैं, और जो व्यक्ति हैं वो अपने गरम गरम कोट पहनने लगे हैं, और सोफ़ी है वो भी रेस्टलेसली मतलब बेचैन होके, पार्क में उसकी शीट है वहाँ पर वो बेचैन होके घूम रहा है। जब उसने ऐसे चिन्ह दिखाई दिए जो ये निश्चित कर रहे थे कि अब सर्दी आने वाली है, क्या क्या थे वो? जैसे एक डेड लीफ होता है, सूखा पत्ता उसके पैर पर आके गिरा, जो एक विशेष मतलब कि विशेषता दिखाता है, साइन है ये किस चीज़ का कि अब जो है सर्दी आने वाली थी, और ये टाइम ऐसा है जिसके लिए स्क्वेयर को, मेडिसन स्क्वेयर में जितने भी लोग रहते हैं सभी को अब तैयार रहना पड़ेगा उस ठंड वाले एरिए में रहने के लिए। सोफीज माइंड नॉट रियलाइज दैट फैक्ट, द टाइम हैड कम, ही हैड टू फाइंड सम वे टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ ड्यूरिंग द कोल्ड वेदर, एंड देयर फॉर ही मूव्ड रेस्टलेसली ऑन हिज सीट। और अब वो अपने आप को तैयार कर रहा है कि भाई उसको इस ठंडे मौसम के दौरान कैसे रहना है, इसलिए वो बेचैन इधर उधर घूम रहा है। Sophie's hope for the winter was not very high. He was not thinking of sailing away in a ship. He was not thinking of southern skies or of the Bay of Naples. 3 months in the prison of Blackwell's Island was that he wanted. 3 months of food every day and a bed every night. 3 months safe from the cold north wind and safe from coops. That is what Sophie wanted most in the world. अब सोफ़ी है वो कुछ नहीं सोच रहा है कि वो सर्दियों में क्या करेगा, ना तो वो ये सोच रहा है कि वो किसी जहाज़ पर सेलिंग करेगा, या फिर वो साउथर्न स्काई में जाएगा, या फिर कोई जो नेपल्स की खाड़ी है वहाँ पर जाएगा। वो क्या सोच रहा है कि वो ये ठंड वाले जो 3 महीने हैं, एक ब्लैकवेल आइलैंड पे कोई प्रिजन है वहाँ पे ये बिताना चाहेगा, जहाँ उसको हर दिन में भोजन मिलेगा, रात को बिस्तर मिलेगा, और ये जो 3 महीने हैं वो काफ़ी सेफ होते हैं, ठंड से भी उसको बचाएंगे, ठंडी हवा से बचाएंगे, और कूप्स होते हैं जैसे पुलिस होते हैं उसको बोलते हैं, तो उससे भी उसको बचाएंगे। और संसार में सबसे ज़्यादा जो ठंड में जिस चीज़ को वो चाहता है वो यही जगह है, प्रिजन ही है, जेल ही है। 4 years ब्लैकवेल आइलैंड हैज़ बीन हिज विंटर होम। रिचर्ड न्यू यॉर्क्स मेड देयर प्लान टू गो टू फ्लोरिडा और द शोर ऑफ मेडिटेरियन सी ईच विंटर। सोफी मेड हिज स्मॉल प्लान फॉर गोइंग द आइलैंड। कई सालों से ठंड में वो अपनी ठंड की जो 3 महीने हैं वो इसी ब्लैकवेल आइलैंड पे ही बिता रहा है। जो पैसे वाले लोग हैं, न्यूयॉर्कर्स हैं, जो न्यूयॉर्क में रहते हैं, वो प्लान करते हैं कि हम ठंड में फ्लोरिडा जाएंगे या फिर मेडिटेरियन सी जाएंगे, लेकिन जो सोफ़ी है वो कहीं जाने की नहीं सोच रहा। उसका एक छोटा सा प्लान है कि वो आइलैंड पर जाएगा। एंड नाउ द टाइम हैड कम। 3 big newspapers, some under his coats and some over his legs, has not kept him warm during the night in the park. अब रात का समय है तो जो उन्हें न्यूज़पेपर अपने पैरों में नीचे लगाए हुए हैं, अपने कोट्स पे लगाए हुए हैं, वो भी उसको उस ठंडी हवा से नहीं बचा पा रहे हैं। अब उसको उन कपड़ों में से भी ठंड लग रही है, हालांकि उन्होंने नीचे न्यूज़पेपर लगाए हुए हैं लेकिन फिर भी उनको ठंड लग रही है। So Sophie was thinking of the island. There was place in the city where he could go and ask for food and a bed. These would be given to him. He could move from one building to another. अब Sophie है वो सोच रहा है आइलैंड के बारे में, वो सोच रहा है कि शहर में भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पर उसको भोजन और खाना, बिस्तर आराम से मिल जाएगा, और उसको ये सब ढूंढने के लिए वो जो है एक बिल्डिंग से दूसरी जगह पर ऐसे मूव कर रहा है, जा रहा है। He would be taken care of through the winter, but he liked Blackwell Island better. वो कहता है कि मैं ज़्यादा मतलब कि और भी मेरे को कहीं जगह पे खाना भी मिल सकता है, भोजन भी, लेकिन मैं Blackwell Island पर ही जाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। Sophie's spirit was proud. If he went to any of these places, these were certain things he had to do. In one way or another, he would have to pay for what they give him. They would not ask for money, but they would make him wash his whole body. They would make him answer questions. What they want to know everything about his life. No prison was better than that. The prison had rules that he would have to follow, but in prison, a gentleman's own life was still his own life. Sophie had decided to go to the island at once, begin to move toward his desire.
शोफी सोच रहा है कि मैं कहीं भी रह लूंगा लेकिन मेरे को वहाँ पे भी पैसे पे करने पड़ेंगे, जैसा भी लाइफ स्टाइल वो देंगे, जो भी मेरे को कम्फर्ट मिलेगा, रोज़ नहाना पड़ेगा, साफ़ सुथरा रहना पड़ेगा, और कोई भी अगर कोई क्वेश्चन पूछा तो आंसर करना पड़ेगा। लेकिन एक जेल ऐसी जगह है जहाँ पर उनकी पर्सनल लाइफ, वो पर्सनल लाइफ ही रहती है, कोई उनसे कोई क्वेश्चन नहीं पूछता, इसलिए उसको सोफ़ी को आइलैंड पर जाना ज़्यादा पसंद है। देर आर मैनी ईजी वे ऑफ डूइंग दिस, द मोस्ट प्लीजेंट वे वॉज टू गो एंड हैव ए गुड डिनर एट सम फाइन रेस्टोरेंट, देन ही वुड से दैट ही हैड नो मनी टू पे एंड देन ए कॉप वुड बी कॉल्ड, इट वॉज ऑल बी डन वेरी क्वाइटली, द कॉप वुड अरेस्ट हिम, ही वुड बी टेकन टू ए जज, द जज वुड डू द रेस्ट। और कहते हैं कि ये और आइलैंड की जो जेल है वहाँ पर जाना मेरे के लिए बहुत ईजी है। ईजी कैसे है, जैसे मैं किसी भी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाऊँगा, वहाँ पर एक अच्छा सा डिनर करूँगा और फिर पैसे बोल दूँगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, फिर वो पुलिस को बुलाएंगे और पुलिस मेरे को जेल में डाल देगी ऐसे करके। सोफी लेफ्ट हिज सीट एंड वॉक स्लोली ऑफ द मेडिसन स्क्वेयर टू द प्लेस वेयर द ग्रेट स्ट्रीट कॉल्ड ब्रॉडवे एंड फिफ्थ एवेन्यू मीट, ही मेट अक्रॉस द वाइड स्पेस एंड स्टार्ट नॉर्थ ऑन द ब्रॉडवे, ही स्टॉप एट लार्ज एंड द ब्राइटली लाइटेड रेस्टोरेंट, दिस वॉज देयर द बेस्ट फूड, द बेस्ट पीपल इन द बेस्ट क्लॉथ अपीयर्ड एवरी इवनिंग। फिर वो अपनी जगह से उठता है और गलियों में से ऐसे देखता तो उसको फिर एक ऐसा मिल जाता है रेस्टोरेंट जहाँ पे काफ़ी लाइटनिंग है, काफ़ी अच्छा भी है, वहाँ पर लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आए हुए हैं, तो वो वहाँ पर रुकता है। सोफी बिलीव डैट अबो हिज लैग्स ही लुक एट ऑल राइट, हिज फेस वॉज क्लीन, हिज गॉट वॉज गुड इनफ, इफ ही कुड गेट टू ए टेबल ही बिलीव दैट सक्सेस वुड बी हिज, द पार्ट ऑफ हिम दैट वुड बी सीन अबो द टेबल वुड लुक ऑल राइट, द वेटर वुड ब्रिंगिंग हिम वट ही आस्क फॉर। वो कहता है कि मेरे कपड़े भी ठीक ठाक से हैं, फेस भी सही है, और अगर मेरे को यहाँ पे कोई टेबल मिल जाए और वेटर मुझसे फिर ऐसे पूछने आएगा कि भाई क्या लाऊं और फिर मैं पैसे देने से मना करूँगा तो ऐसे मेरा काम अच्छे से बन जाएगा। He began thinking of what he would like to eat. In his mind, he could see the wall dinner. The cost would not be too high. He didn't want the restaurant people to feel any real anger, but the dinner would leave him filled and happy for the journey of his winter home. उसने देखा कि खाना वहाँ पे काफ़ी अच्छा है, अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और काफ़ी महंगी भी नहीं है, और कहता है कि मेरे लिए जो ये जर्नी है डिनर वाली वो मेरे को काफ़ी अच्छा फील कराएगी। But as Sophie's put his foot inside the restaurant door, the head waiter saw his broken old shoes and the torn clothes that covered his legs. Strong and greedy hands turned Sophie around and moved him quietly and quickly outside again. फिर जैसे ही वो रेस्टोरेंट, वो ये सब अपने मन मन में सोच रहा है कि मैं ऐसे जाऊँगा, ऐसे खाना खाऊँगा, कोई महंगा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही वो रेस्टोरेंट के अंदर पैर रखता है तो जो हेड वेटर होता है वो देखता है कि उनके शूज़ फटे हुए हैं, कपड़े भी नहीं अच्छे हैं, तो वो उनको उठा के बाहर फेंक देता है सोफ़ी को। Sophie turned off Broadway. It seemed that the most easy way to island was not to be his. He must think of some other way of getting there. वो कहता है कि अब मेरा ये प्लान भी फेल है, शायद ऐसे तो मैं जेल नहीं जा पाऊंगा। At the corner of 6th Avenue was a shop with a wide glass window, bright with electric light. Sophie picked up a big stone and threw it through the glass. People came running around the corner. A cop was the first among them. Sophie stood still and he smiled when he saw the cop. तो एक कॉर्नर में एक 6th Avenue एक शॉप है, काफ़ी बड़ी है, ग्लास का विंडो है, तो उसने क्या किया, एक पत्थर उठाया और उसकी विंडो पर फेंक दिया, और वो काफ़ी हंस रहा है, खुश है मन ही मन में। वहाँ पर एक पुलिस वाला पहले ही खड़ा हुआ है कि ये देख रहा है मेरे को, मैंने मारा है और ये मेरे को पकड़ लेगा, तो मन काफ़ी अच्छा है, वो कभी भागा भी नहीं, कहीं नहीं भागा, वो पत्थर से ऐसे फोड़ के दीवार को। वेयर द मैन दैट डिड आस्क द कॉप, डिड यू थिंक आई माइट हैव डन इट, सेड सोफी, ही वॉज फ्रेंडली एंड हैप्पी, वट ही हैपन वॉज कमिंग टू आर्ड हिम, बट द कॉप माइंड वुडंट कंसिडर सोफी, मैन हु ब्रेक विंडो डो नॉट स्टॉप देयर टू टॉक टू कॉप्स, दे रन अवे एज फास्ट एज दे कैन, द कॉप्स आई मैन फ्रदर अलोंग द स्ट्रीट रनिंग ही रिन आफ्टर हिम एंड सोफी, सीकेट हार्ट वॉक स्लोली अवे एंड ही हैड फेल्ड टू टाइम्स। अब वो जो कॉप वाला, जो पुलिस वाला है, वो सोफ़ी से कुछ नहीं बोलता, वो कहता है कि ऐसा कोई आदमी होगा ही नहीं जो ऐसे पुलिस वाले के सामने पत्थर मार के और यूं ही खड़ा रहेगा। तो वहाँ पे एक आदमी भाग रहा था, वो पुलिस वाला उसके पीछे चला गया भागते भागते कि इसी ने पत्थर मारा है, इसी ने जो शीशा है वो तोड़ा है। तो जो सोफ़ी है वो काफ़ी उदास था कि मेरे दो प्लान हैं वो फेल हो गए। अक्रॉस द स्ट्रीट वॉज अनदर रेस्टोरेंट, इट वॉज नॉट सो फाइन एज द वन द ब्रॉडवे, द पीपल हु वेंट देयर वॉज नॉट सो रिच, इट्स फूड वॉज नॉट सो गुड, इंटो सोफीज टूक हिज ऑल शूज एंड हिज टॉर्न क्लॉथ एंड नो वन स्टॉप हिम, ही सेट डाउन एट टेबल एंड वॉज सून ईटिंग ए बिग डिनर। उसने देखा कि एक रेस्टोरेंट है वो इतना बड़ा नहीं है, वहाँ पे आने वाले लोग भी इतने अमीर नहीं है, वहाँ पे खाना इतना महंगा नहीं है, और उसके फटे कपड़े और फटे शूज देख कर भी किसी ने अंदर जाने से नहीं रोका, तो वो वहाँ पर टेबल पर बैठ गया और उसने जो है फिर डिनर किया। When he had finished, he said, "He has no money. Get Bashi call a cop."
said Sophie, and don't keep a gentleman waiting no coop for you, said the waiter. He called another waiter. The two waiters threw Sophie upon his left ear on the hard street outside. He stood up slowly and one part of a time and beat the dust from clothes. Prison seemed only a happy dream. The island seemed very far away. अब वहाँ पे भी उसने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, आप पुलिस को बुला लीजिए. लेकिन वेटर ने बोला नहीं, पुलिस की कोई ज़रूरत नहीं है. उसने दूसरे वेटर को बुलाया और उसको उठाकर बाहर फेंक दिया रेस्टोरेंट से. सोफी उठा अपने कपड़ों की धूल झाड़ी और बोला कि ये प्लान भी फेल हो गया. अब लगता है जो आईलैंड है वो काफ़ी दूर है और मेरा सपना ही रहेगा ये. A coop was standing near, laugh and walk away. Sophie started moving again. When he stopped, he was near several theaters in this part of the city. Streets are brighter and hutters are more joyful than in our parts. Women and men are rich, warm coats move the happily in the winter air. A sudden fear caught Sophie. No coop was going to arrest him. अब वो देखता है कि वहाँ पर एक थिएटर है, वहाँ पर जो लोग हैं वो काफ़ी जो अमीर अमीर लोग हैं वो आ रहे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए हैं. और एक अचानक से सोफी को फिर डर लगता है कि अब यहाँ पर भी कोई पुलिस मेरे को अरेस्ट नहीं करेगी. देन ही केम टू अनदर कोप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए बिग थिएटर. ही थॉट ऑफ समथिंग एल्स टू ट्राई. ही बिगेन टू शाउट एज इफ ही हैड टू मच टू ड्रिंक. हिज वॉइस वॉज सो लाउड एज ही कुड मेक इट. ही डांस, ही क्राइड आउट, एंड द कोप टर्न हिज बैक टू सोफी एंड सेड टू ए मैन स्टैंडिंग नियर हिम, इट इज़ वन ऑफ दोज कॉलेज बॉयज, ही वॉन्ट हर्ट एनी थिंग, वी हैव ऑर्डर टू लेट देम शाउट. सोफी वॉज क्वाइट, वॉज नो कोप गोइंग टू टच हिम. ही बिगेन टू थिंक ऑफ आईलैंड एज इट वॉज ए फार अवे एज ए स्टार. He pulled his thin coat around him. The wind was very cold. फिर वो जानबूझ के एक्टिंग करता है, जैसे जोर जोर से चिल्लाता है थिएटर के सामने कि उन्होंने बहुत सारी ड्रिंक की हुई है, और वो जोर जोर से चिल्लाता है, डांस करता है. लेकिन जो पुलिस वाला, वो बोलता है कि आज ये कॉलेज का लड़का है और आज हम इनको कुछ नहीं बोलेंगे, कोई हानि नहीं पहुँचाएंगे. तो फिर वो जो सोफी है वो चुप हो जाता है और वो कहता है कि शायद मेरा आईलैंड पर जाने का सपना सपना ही रहेगा. जैसे स्टार काफ़ी दूर है, वैसे ही जो आईलैंड है वो मेरे लिए भी काफ़ी दूर हो गया. और जो हवा है वो काफ़ी ठंडी होती जा रही थी. Then he saw a man in a shop buying a newspaper. The man's umbrella stood behind the door. Sophie stepped inside the shop, took the umbrella and walked slowly away. The man followed him quickly. My umbrella, he said. Oh, is it? said Sophie. Why don't you call a cop? I took it, your umbrella. Why don't you call a cop? There are one standing at the corner. The man walked more slowly. Sophie did the same. और फिर उसने देखा कि न्यूज़पेपर कोई आदमी खरीद रहा है, तो उसने उसका छाता उठाया और वो भाग लिया. तो वो जो आदमी है वो भी उसके पीछे पीछे बोला, कहता कि ये मेरा अम्ब्रेला. वो कहता कि अच्छा, ये आपका अम्ब्रेला. तो उसने कुछ नहीं बोला. ही हैड ए फीलिंग दैट ही वॉज गोइंग टू फेल अगेन. द कूप लुक एट द टू मैं. वो कहता कि शायद अब फिर मेरा प्लान फेल है. इसने भी पुलिस को नहीं बुलाया. आई सेड द अम्ब्रेला मैन, दैट इज़ यू नो हाउ दीज थिंग्स हैपन. इफ़ दैट्स यूर अम्ब्रेला, आई एम वेरी सॉरी. आई फाउंड इट द मॉर्निंग इन ए रेस्टोरेंट. If you say it's yours, I hope you will. और अम्ब्रेले वाला जो मैन है वो कहता है कि अच्छा, ये आपका अम्ब्रेला है, मेरे को तो ये सुबह रेस्टोरेंट में मिला था, अगर ये आपका है तो आप इसको रख लीजिए. It's mine, cried Sophie with anger in his voice. और गुस्से में सोफी चिल्लाता है, हाँ ये मेरा है. द अम्ब्रेला मैन हरीड अवे. द कूप हेल्प ए लेडी अक्रॉस द स्ट्रीट. सोफी वॉकड ईस्ट. ही थ्रू द अम्ब्रेला एज फार एज ही कुड थ्रो. ही टॉक टू हिम सेल्फ अबाउट कूप्स, वट ही थॉट ऑफ हिम. Because he wished to be arrested, they seems to believe he was like a king who could do no wrong. फिर वो देखता है कि एक जो पुलिस वाला है वो किसी लेडी को ऐसे क्रॉस करा रहा है. वो कहता है कि ये पुलिस वाले मेरे को क्यों नहीं पकड़ रहे, और ये तो ऐसे सोच रहे हैं कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर सकता, जैसे कि मैं कोई राजा हूँ. At last, Sophie came to one of the quiet street on the side of the city. He turned here and began to walk south toward Madison Square. He was going home, although home was not only a sit in the park. फिर वो जो है अपना घर, जो एक पार्क की जो सीट है, वहाँ पर जाना स्टार्ट कर देता है. बट एट ए वेरी क्वाइट कॉर्नर सोफी स्टॉप्ड. हियर वॉज हिज ऑल चाइल्डहुड होम. थ्रू वन विंडो ही कुड सी ए सॉफ्ट लाइट शाइनिंग. दैट हैड बीन हिज लिविंग रूम, वेयर ही स्पेंट मैनी हैप्पी पीसफुल मोमेंट. स्वीट म्यूजिक केम टू सोफीज ईयर्स एंड सीम्स टू होल्ड हिज देयर. फिर वो देखता है कि एक शांत सा कॉर्नर है, सोफी वहाँ पे रुकता है. शायद वहाँ पे सोफी का जो है बचपन का घर है, जहाँ उन्होंने अपना बचपन व्यतीत किया है, उसका लिविंग रूम है, और उन्होंने बहुत शांति वाले पल वहाँ पर बिताए हैं. द मून वॉज अबो पीसफुल एंड ब्राइट. देर वॉज फ्यू पीपल पासिंग. ही कुड फियर बर्ड्स हाई अबो हिम एंड द म्यूजिक दैट कम फ्रॉम द रूम हेल्ड सोफी हेयर. फॉर ही हैड नॉन इट्स वेल लॉन्ग अगो. इन दोज डेज हिज लाइफ कंटेन सच थिंग एज मदर एंड फ्लावर एंड हाई होप्स एंड फ्रेंड्स एंड क्लीन थॉट्स एंड क्लीन क्लोथ. वो सोच रहा है कि कितने अच्छे दिन थे,
वो वहाँ से कुछ पक्षियों की आवाज़ें सुनता है, बिल्कुल चांद उसके सिर पर है, पीसफुल है, शांति ही है। वो अपने पुराने दिनों के बारे में सोचता जब उसकी मदर होती थी वहाँ पे, फ्लावर्स थे, अच्छी अच्छी आशाएं थी, अच्छे दोस्त थे, कितने अच्छे विचार थे और अच्छे कपड़े थे। देर वॉज अ सडन एंड वंडरफुल चेंज इन हिज सोल, ही सा हिज सिक फियर हाउ ही हैड फॉलन, ही सा हिज वर्थलेस डेज, ही रॉन्ग डिजायर एंड ही डेड होप्स, द लॉस्ट पावर ऑफ हिज माइंड, फिर वो देखता कि मैं कितना नीचे गिर गया। एंड ऑल्सो इन ए मोमेंट हिज हार्ट आंसर दिस चेंज इन हिज सोल, ही वुड फाइट टू चेंज हिज लाइफ, ही वुड पुल हिमसेल्फ अप आउट ऑफ मड, ही वुड मेक ए मैन ऑफ हिमसेल्फ अगेन। फिर वो अपने मन में सोचता, अपने मन को जवाब देता है कि मैं अपने आप के लिए लड़ूंगा, मैं अपने आप को इस दलदल से बाहर निकालूंगा और मैं फिर अपने आप को एक अच्छा आदमी बनाऊंगा। देर वॉज टाइम ही वॉज यंग इनफ, ही वुड फाइंड हिज ऑल पर्पज इन लाइफ एंड फॉलो इट, दैट स्वीट म्यूजिक हैड चेंज्ड हिम, जो स्वीट म्यूजिक उसके घर में से आ रहा था उसने उसको बदल दिया कि मैं तो अभी काफ़ी जवान हूँ और मैं अपने जीवन को सुधारूंगा, मैं अपने लिए एक जॉब या फिर कोई भी काम ढूंढूंगा। टुमारो ही वुड फाइंड वर्क, मैं कल काम ढूंढूंगा। ए मैन हैड वंस ऑफर्ड हिम ए जॉब, ही वुड फाइंड द मैन टुमारो, एक आदमी ने एक बार मेरे को जॉब ऑफर की थी, मैं उसी आदमी को कल ढूंढूंगा। He would be somebody in the world. He would, Sophie felt a hand on his arm. He looked quietly around the broad face of a curve. उसने देखा कि उसके एक बाजू आई उसके हाथ पे और वो देखता कि वो किसी पुलिस वाले का फेस है। What are you doing hanging around here? Asked the cop. पुलिस वाले ने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? Nothing, said Sophie. Sophie ने बोला कुछ नहीं। You think I believe that? Said the cop. पुलिस वाले ने कहा कि मैं तुम पर विश्वास करूँगा। Full of his new strength, Shopee began to argue, and it is not wise to argue with a New York cop. Shopee फिर जो है एक नई स्ट्रेंथ के साथ उसे आर्ग्यू करने लगा, और अगर आप न्यूयॉर्क की पुलिस के साथ आर्ग्यू कर रहे हो तो वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है। कम अलॉन्ग, सेट द कोप, कोप ने कहा मेरे साथ आओ। 3 months prison on Blackwell Island, said the judge of Shopee next morning. Next morning को ही उसको जो है Blackwell Island पे 3 महीने की जेल की सजा सुनाई गई। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। बाय बाय, कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।